नमस्कार बच्चों, एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज है 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर मल्टीपल टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी निकालना है किसका। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर निकालना है जो छोटे से छोटा, जिस मतलब जिसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर किसका है, स्क्वायर रूट उसका हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे सबसे पहले इसका टाइप है 252, तो फिर इसका लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 252। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखो, इसका पहला डिजिट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 212 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है 4, तो 2 2 जा 2 2 जा 4 है 5, कोई भी वन कैरी चल जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 12, तो 2 6 जा 12। दोबारा देख लीजिए, 2 6 जा 12। आपने दो डिजिट्स क्यों ली, क्योंकि पहले डिजिट 1 थी तो वो 2 से छोटी है, जब आपने 2 डिजिट लिए। ठीक है, ओके, क्योंकि हमारे इससे तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम डिवाइड देते हैं, तो देखो 2 3 जा, फिर आगे लास्ट का 6 है, तो 2 3 जा 6, आप कितने चल जाएगा 3 पे, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, फिर 3 पे चल जाएगा 3 7 जा 21, फिर 7 पे चल जाएगा 7 1 जा 7। तो इसके 2 5 2 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर फैक्टोरेशन आया है, इसके फैक्टर वो क्या है, 2 2 3 3 7। तो अब ध्यान से देखो पेयर किस किस के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें ना। ओके, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसका, तो ध्यान से देखो ये 7 क्या है, सिंगल टाइम्स है, मतलब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा 7 का। तो आप क्या करोगे, इसने पूछा था कि किस छोटे से छोटे नंबर को हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे कि हमारे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हमें यहाँ पे 7 का सिंगल है, तो हमें पेयर चाहिए, एक 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ बताना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, 7 हुआ। क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका क्या बन गया, फिर पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद देखो भैया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक टाइप का तो आंसर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर 7। ठीक है, अब देखो इसको लिखोगे आप 2 की 2 3 की 2 और 7 की 2, तो ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर आ गया 2 3 और 7, तो 2 3 6, 6 7 जा 42, तो 42 का क्या जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, कब, जब 7 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, अब आप अगर 42 का स्क्वायर रूट निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि वो स्क्वायर क्या आता है, प्लस स्क्वायर। ठीक है, हमें लेकिन हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया, कितना हो गया 42, इसका क्या हो गया आंसर, हो गया स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। ये इस टाइप का क्या है आंसर। अगले टाइप क्या है, ध्यान से देखो आपके पास अगले टाइप है 180, कितनी है 180, तो उसका भी आपको कैसे करना है ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड टाइप करवा रहा हूं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, ठीक है 2 4 जा 8, और 1 क्या 8, 2 5 जा 10। अब नहीं जा रहा है तो उसे 5 से जा रहा है, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो 180 का आ चुके हैं फैक्टर बच्चों, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा, तो 5 का नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो से नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो क्या है 5 की, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन किसका, अब ध्यान दो, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रखा है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 2 होगी, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी जब हम एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की पावर 2 भी हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 5 जो 10 10 3 जो 30, तो आंसर कितना आ गया 30 आ गया इसका, कि 30 का इसका क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है,
नेक्स्ट जिसका टाइप है 100 सॉरी 1000 सेट है तो आप उसको भी ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और आपको निकालना है कि किसका प्राइम फैक्टर किसका मतलब फैक्टराइजेशन है। ठीक है।